चलो एक बड़ी खबर आपको बताएं, पीटीईटी प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दरअसल 16 मई को पीटीईटी प्रवेश परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए और जिस तरह से कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है, इसको देखते हुए इसे स्थगित किया गया है। ललित हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। ललित, पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि कोरोना ने जिस तरह से हाल बना रखा है, तमाम परीक्षाएं पहले भी स्थगित हुई थी, अब पीटीईटी को लेकर भी ये हालात हैं, अब आगे कब इसे आयोजित किया जाएगा, इसके बारे में कोई हिंट या फिर जो परीक्षार्थी हैं उनका क्या कुछ रुख है अब? जी बिल्कुल अभिनव, कोरोना के चलते पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि तकरीबन आधा दर्जन जो प्रवेश भर्ती परीक्षाएं थी उनको स्थगित किया गया था, और कल जो नई गाइडलाइन राजस्थान की आई है उस गाइडलाइन के तहत अब जो कर्फ्यू है, जो जन सुरक्षा पखवाड़ा है, अनुशासन पखवाड़ा, उसको 17 मई तक बढ़वा दिया गया है। ऐसे में अब 16 मई को जो परीक्षा आयोजित होनी थी पीजीटी प्रवेश परीक्षा, उसको भी स्थगित करने का फैसला ले लिया गया है। हालांकि इस परीक्षा का आयोजन आगे कब होगा इसको लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है, सिर्फ ये कहा गया है कि 16 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित किया जाएगा और जल्द ही जो प्रवेश परीक्षा है पीटीईटी की उसकी नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। हालांकि ये भी कहा है कि प्रवेश परीक्षा की जब भी परीक्षा होगी उसके 15 दिन पहले परीक्षा तिथि है उनकी घोषणा की जाएगी। तो ऐसे में अब जो कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण है उसको देखते हुए पीटीईटी की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए।